बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर्स सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला औलाद की खुशियां देखना नसीब करें और सब अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम हों। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर के बाहर का आउटसाइड। तो मेरे घर के सामने ये हाईवे चलता है, तो ये हाईवे चल रहा है और वेदर भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और आज धूप नहीं निकली, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो ये देखें, बहुत अच्छा खूबसूरत वेदर है और बस समर जाने वाला है और विंटर आने वाला है। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी 2 से 3 रेसिपी। आज का ब्लॉग कुकिंग के मुतालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैंने बनाई है चाट, चना चाट, और इसमें मैंने छोले भी डाले हैं। और जो चीज़ें मैं डाली हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। लास्ट वीडियो में बनाई थी मैंने बूंदी, तो मैंने छोटी वाली बूंदी भी बनाई थी और बड़ी वाली भी, इसी को इस्तेमाल किया मैंने आज चाट में भी। तो ये काफ़ी सारी बच गई हैं, तो मैं इसे बंद करके सेव कर लूँगी। और इसे रायते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही बड़े में भी, और ऐसे चाट भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने ये चाट कैसे बनाई है। यहाँ देखिए जी, यहाँ पर हमने बनाया था पकौड़ियाँ, यहाँ पर मैंने बनाई थी बूंदियाँ, आप लोग लास्ट वीडियो पर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनाई थी बूंदियाँ, मैंने थोड़ी सी बड़ी वाली भी बनाई थी और बिल्कुल बारीक वाली जो होती है, और बिल्कुल बारीक वाली जो होती है वो भी बनाई थी मैंने। ये लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज हम बना रहे हैं इसकी चाट, ये ताज़ा बनी हुई है, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये मैं लूँगी बारीक वाली, इसको भिगोना नहीं पड़ता है। और अगर जो मोटी बनाई है, मोटी वाली जो है, उसे भिगोना पड़ता है। तो ये ऐसी आपको कुरकुरी अच्छी लगेंगी। ये मैंने ले लिया, मैं इसमें डालूंगी थोड़े से आलू, बॉयल आलू। मैं डालूंगी छोले, या मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। मैं यहाँ हाफ हाफ कप बना रही हूँ, आप लोग की मर्जी है, इसे ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यह मेरे लिए कुटी मिर्ची 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। इसमें मैं डालूंगी प्याज और टमाटर चॉप किया हुआ। थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, ऊपर से डालेंगे। इसमें हम डालेंगे चटनी, और यह मैंने दही लिया है, दही को अच्छा सा फेंट लिया है, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे अच्छा सा। ये देख लिया हमारी चाट रेडी है, हम इसके ऊपर डाल देंगे ऊपर से दही। चटनी डाल देंगे, प्याज और टमाटर, और यहाँ मैंने पापड़ी बनाई हुई है। पापड़ी बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यह मैंने पापड़ी बनाई हुई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। यह हम डाल देंगे ऊपर से। अब ये बच गया, तो मैं इसे बंद करके और इसे रख दूंगी। इस बूंदी को आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं, रायता बनाते हैं तो थोड़ा सा डालें इसमें, और ऐसी चाट भी बना सकते हैं। बहुत मज़े की और ज़बरदस्त चाट बननी है। ऊपर से चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला डालें, थोड़ा सा चाट मसाला डालें ऊपर। ये देखिए जी,
तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और पापड़ी की रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करें, वहाँ पर सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन पटाखा, बहुत मज़े की यम्मी होती है और ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, तो बहुत मज़े की यम्मी होती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं बहुत इजी है, आसान है, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी और बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। तो यहाँ मैंने लिए चिकन 1 kg और बड़े पीस हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे छोटे पीस में भी बना सकते हैं, बड़े में भी। या मैं मसाले दिखा रही हूँ, हल्दी ली है मैंने और धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्चें, लाल वाली मिर्चें और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी और फिर ये हम चिकन में डाल देंगे। फुल रेसिपी के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और पिन कर दूँगी। तो ये हम सारी मसाले इसमें डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा इसे मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया, इसे भी मैं कोट लूँगी और ये भी डालूंगी। इसमें मैं डालूंगी नमक, अदरक लहसुन डालेंगे हम, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी मिक्स कर दिया है, मैं ऐसे छोड़ूंगी आधा घंटा। यहाँ देखिए जी चिकन को आधा घंटा हो गया रखे हुए, यहाँ पे मैं तेल गरम कर रही हूँ और थोड़ा सा मोटर डालेंगे काट के। कश्मीरी मिर्चों में मिर्ची नहीं होती, इससे बस कलर अच्छा आता है। तो अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, भून लूंगी तकरीबन 1 से 2 मिनट में इसे पका लूंगी। मैं इसे तेज आंच करके भून लूंगी। इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, भून लेंगे। ये देखिए जी हमारा रेडी है। ये देखिए जी इसकी ग्रेवी ऐसी है। ये देखिए जी ये बहुत मजे का यम्मी बना है, भी इतना ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन ये जो मैंने मिर्ची डाली है ये एलोपिनो है और ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है। ये देखिए जी बहुत मज़े की ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोग बनाएगा ज़रूर इसे अपने घर में और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, ये देखिए तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इंस्टाग्राम है उसे भी फॉलो कीजिएगा। मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतजार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा।
इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर आऊँगी। अपने अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।